नमस्कार, न्यूज टेड उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ पूजा खंडूरी। खबरों की शुरुआत वाराणसी से आ रही बड़ी खबर के साथ। ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी है। मामले से जुड़े सभी पक्षकारों और अधिवक्ताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वादी पक्ष की सभी महिलाओं को सुरक्षा मिली है। प्रतिवादी पक्ष के भी लोगों की सुरक्षा पर पैनी नजर। जज रवि दिवाकर ने अपने और परिवार की सुरक्षा पर चिंता जाहिर की थी, उसके बाद से ही अब ये कार्रवाई की गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। वादी और प्रतिवादी पक्ष को सुरक्षा मुहैया कराई गई है। आपको बता दें कि कल ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले में जब कोर्ट का फैसला सामने आया तो पूरे परिसर में सर्वे करने को लेकर आदेश दिया गया। इसी के साथ साथ ये भी कि जो मांग की जा रही थी प्रतिवादी पक्ष के द्वारा कि कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता पर उन्हें संदेह है, उनको हटा दिया जाए, तो ये भी कल क्लियर हो गया कि कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाए जाएंगे। दो और नए कोर्ट कमिश्नर उनके साथ नियुक्त किए गए हैं। अब सुरक्षा बढ़ाई गई है वादी और प्रतिवादी पक्ष की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निशांत हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे निशांत। सुशांत, क्या जानकारी है आपके पास? इससे जुड़ी सभी पक्षकारों की अधिवक्ताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देखिए, कल जब फैसला आया और फैसले की कॉपी में पेज नंबर 3 में साफ जज ने जाहिर किया कि मेरे परिवार को भी डर का माहौल है, मेरी पत्नी डरी हुई है, मेरी माता भी डरी हुई हैं, और इसके बाद लगातार जो है जो वादी पक्ष हैं उनके वकील हैं, सारी लोगों की सुरक्षा अब बढ़ा दी गई है, क्योंकि जो मामला है वो काफी गंभीर है। अब सर्वे शुरू होने वाला है। जिस तरीके से पहली बार सर्वे में हंगामा हुआ था, काफी लोग पहुंच गए थे, उसे देखते हुए अब जो वादी पक्ष हैं, वकील हैं, इन सभी लोगों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट को साफ साफ ऑर्डर में लिखा गया है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है और सीधा सीधा जवाबदेही कोई निचले स्तर का अफसर नहीं होगा, बल्कि सीधे वाराणसी के पुलिस कमिश्नर को लिखा गया है। इसके साथ ही वहां पर ताला खुलवाने को लेकर वाराणसी के जिलाधिकारी और कमिश्नर को लिखा गया है। तो साफ सी बात है कि इस मामले में कोर्ट बेहद गंभीर है और इसीलिए सभी लोगों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बिल्कुल, और 17 मई तक रिपोर्ट भी पेश करनी है। सुशांत, कल से अगर सर्वे की शुरुआत होती है, किस तरीके से सर्वे होगा, क्या वहां पर लोगों को जाने की इजाजत होगी, कितने लोग वहां पर मौजूद रहेंगे, इससे जुड़ी कोई जानकारी? देखिए, जो कोर्ट कमिश्नर हैं और कोर्ट कमिश्नर के सहयोगी हैं वादी प्रतिवादी पक्ष और उनके वकील, इसके अलावा किसी को भी वहां पर जाने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि वहां पर ज्ञानापी स्थल है, सर्वे स्थल है उसका। इसके अलावा बात की जाए, अगर दूसरी तरह देखा जाए तो दर्शन पूजन ठीक उसी तरीके से चलता रहेगा जिस तरीके से चलता है। दर्शन पूजन में कोई खामी नहीं आएगी, कोई भी रोक टोक नहीं होगी, किसी तरीके का कोई कपाट बंद नहीं होगा, दर्शन पूजन उसी तरीके से चलता रहेगा। सिर्फ गेट नंबर 4 के एक दरवाजे से जहां पर कोर्ट कमिश्नर और बाकी टीम एंट्री करेगी वहां पर बाकी श्रद्धालुओं की रोक रहेगी, बाकी तीनों दरवाजों से लगातार श्रद्धालुओं की एंट्री रहेगी, दर्शन पूजन बिल्कुल इस तरीके से जारी रहने वाला है। बहुत शुक्रिया सुशांत आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, नजर बना के रखिएगा। तो ग्रेटर नोएडा से बड़ी जानकारी है।